सुनो फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, सिस्ट कितनी बड़ी है? 14 mm जो होता है बिल्कुल चने के दाने के बराबर, ये सिस्ट नहीं होती, ये तो फॉलिकल होता है। इसको जिसने सिस्ट बोला गलत बोला, या तो उसने सेंटीमीटर समझ लिया। अब देखो ये इतनी बड़ी डॉक्टर है गंगाराम की। नहीं तो ये बात नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा, इसलिए दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, दोबारा कराओ मेरी पर्ची पे। 14 mm का तो फॉलिकल ही, 24 mm का तो फॉलिकल होता है, सिस्ट कैसे हो जाएगी? उसको सिस्ट थोड़ी बोलेंगे। ये तो आपका एग बन रहा है इतना सुंदर, अगर इसको सिस्ट बोल रहे हैं तो। तो ये या तो सेंटीमीटर है, एमएम जो है सिस्ट होती है कम से कम 5 cm, 2 inch, 2.5 inch बड़ी सिस्ट होती है उसको बड़ा बोलते हैं, इंचों में याद रख लो। 2.5 cm की भी छोटी होती है, 5 cm की बड़ी होती है। एक बारी मैं इसका भी आपको दोबारा फोटो खींच के भेज देती हूँ, आप एक बारी गोचो हो लेना। हाँ यही नहीं, सेम पढ़ के हमारे पास जो है वो यही है जो आप पढ़ रहे हो ना, एक ही है ना, सेम ही रिपोर्ट है ना जो आपने भेजी और आप पढ़ रहे हो। सेम है। हाँ जी। हाँ तो या तो यहाँ पे दोबारा करा लो, अगर लिखने में गलती हो गई तो अलग बात है, लेकिन लिखने में गलती हो गई तो डॉक्टर ने तो यही पढ़ी ना जो मुझे पढ़ाई है आपने। 14 mm और सेंटीमीटर फर्क समझते हो? देखो जो mm होता है ना वो तो इतना छोटा छोटा होता है, 14 mm का मतलब बस इतना इतना, और 14 cm का मतलब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, ये 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 mm तो इतना, 40 cm तो बड़ी है, 14 mm तो नॉर्मल है। 14 mm है। हाँ तो mm तो, हाँ सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो होती है कि निकालना पड़ता है, जो 5 cm से बड़ी होती है, 7 cm से बड़ी होती है वो फॉलिकल सिस्ट नहीं होती, ये तो एग ही है, कई बार नहीं रप्चर होता सिस्ट बन जाता है, अगले महीने अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो मतलब याद रखो कम से कम 5 cm तो याद रखो, मिनिमम 5 cm से छोटी अपने आप डिजॉल्व हो जाती है नेक्स्ट साइकिल में। 5 cm का मतलब 50 mm।